हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। मैं सुद्धू मूसेवाला और मेरे साथ आज सिंगचैन है। और गाइस, सिंगचैन काफ़ी पहले से कह रहा था कि मुझे माउंट चिलियर जाना है। तो गाइस, आज मैं और सिंगचैन अपनी थार लेके, जो मेरी महिंद्रा थार है, उससे आज माउंट चिलियर चलेंगे। तो गाइस, पहले घर को चेक कर लेते हैं एक बार और सिंगचैन चलते हैं। और सिंगचैन का कोई शायद फ्रेंड भी आ रहा है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। सिंगचैन के शायद मामा जी आ रहे हैं, तो वो तो हमें माउंट चिलियर के पास ही मिलेंगे गाइज। तो एक बार घर की चेकिंग कर लेते हैं, नीचे चेक कर लेते हैं एक बार कि प्रॉपर ताले वगैरह लगा है घर में कि नहीं। और गाइज़, यहाँ पे साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया है। तो गाइज़, फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि घर लॉक ही है। एक बार सिंगचैन तू भी देख ले। हाँ गाइज़, घर लॉक ही है मेरे हिसाब से तो। और आज का पानी देख सकते हो गाइज़, काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। नहाने का मन कर रहा है मेरा, पर मैं पहले ही नहा चुका हूँ। तो गाइज, अब चलते हैं बिना किसी देरी के ऊपर की ओर और बैठते हैं थार में। और माउंट चिलियर की लोकेशन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो गाइज, देखते हैं कि गूगल मैप काम करता है नहीं। फ़ोन चार्जिंग कर लिया है मैंने और सिंगचैन ने भी कर लिया है। गाड़ी का फ्यूल टैंक कराना पड़ेगा। और गाइज, काफ़ी ज़्यादा दूरी है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। गाइज, हमने पैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा करके रखी है मैंने और सिंगचैन ने। सिंगचैन ने तो 2 या 3 बैग भरे हुए हैं अपने कपड़ों के, जूतों के और भी सारा सामान लेके सिंगचैन। तो गाइज़, काफ़ी ज़्यादा दूरी है, तो चलते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी ही निकलना पड़ेगा, तभी शाम तक पहुँचेंगे गाइज़। और इसके मामा वगैरह भी आ रहे हैं, तो आगे से ही उन्हें उठाना पड़ेगा हमें। और उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया था, बोल रहे थे कि आप हमारे साथ ही जाना, तो उन्हें उनका भी वेट करना पड़ेगा गाइज़। तो जल्दी से निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर भी है यहाँ से, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि सिंगचैन को तो गाड़ी चलाने आती नहीं है। तो मैं आपको कुछ कुछ क्लिपें दिखाते जाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रूट है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता गाइज़। और सिंगचैन ने भी मना कर दिया है कि मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, मैं केवल इन्जॉय करूँगा। तो गाइज़, अब आ चुके हैं हम कच्चे रास्तों पर। काफ़ी ज़्यादा हमने ट्रैवल कर लिया, कम से कम 200 या 300 किलोमीटर हम ट्रैवल करके आ चुके हैं गाइज़। तो आगे जो भी होता आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे सिंगचैन के मामा वगैरह जो भी थे, वो रिलेटिव सिंगचैन के, वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। मुझे फ़ोन किया था, बोला था कि आप माउंट चिलियर से चढ़ने से पहले ही आप रुक जाना। तो गाइज, रुकते हैं यहीं पे और सिंगचैन के रिलेटिव जो हैं या मामा जो हैं उनका वेट करते हैं। मेरे घर से माउंट चिलियर की जो डिस्टेंस है, जो 800 या 900 किलोमीटर था गाइज, और हमने एक ही दिन में कवर किया है ये। और टाइम तो ज़्यादा लगेगा, पर यहीं पे वेट करने को बोला है, तो गाइज यहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर। और गाइज, सिंगचैन के मामा का फिर कॉल आया था, बोल रहे थे हम पहुंचने वाले हैं। तो गाइज, देख सकते हैं आपकी सिंगचैन के मामा और सिंगचैन की मामी जो है वो साथ आ गए हैं हमारे। तो निकलते हैं, इनकी गाड़ी पे एक कैमरा लगा दिया है मैंने। तो गाइज, चलिए चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई का टाइम आ गया है। और ये तो ओपन गाड़ी लेके आए हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये गाड़ी चढ़ भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा खतरा है। पर अपनी तो कुल रूफ वाली थार है, तो गाइज इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। और अपना पुराना इंजन भी है गाइज गाड़ी में, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चलती है। और इनके दिक्कत हो सकती है बहुत, पर शायद चढ़ भी जाएगी क्योंकि वो भी गाड़ी पुरानी है गाइज। गाइज, माउंट चिलियर की चढ़ाई है वो हम चढ़ना शुरू कर दिया है हमने। और हम 100 से 150 मीटर गाड़ी चढ़ा दी है हमने माउंट चिलियर पे। और इसके बाद भी कम से कम हमारे पास 800 से 900 मीटर चढ़ाई अभी बाकी है। तो गाइज, चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहाड़ के साइड में भी खाई है और गिर गए तो कोई बचाने वाला नहीं है गाइज, और शायद बचें भी ना। तो गाइज, जल्दी जल्दी चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो बिना किसी देरी के। और एक तो ये रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं गाइज, और रास्ते थोड़े सही होते तो टाइम भी कम लगता, और रास्ते ही ज़्यादा ख़राब हैं बेसिक, और तो कुछ नहीं है। और ये पीछे वाले तो पता नहीं क्या कर रहे हैं गाइज। और ये देखो, हम तो गाड़ी से जा रहे हैं गाइज, तो इतना टाइम लग रहा है, ये बाकी बंदे तो ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, और ऊपर से सामान रखा है इन्होंने अपने ऊपर। तो गाइज, चलते हैं, हम बिन इन्हें देखेंगे तो हम नहीं पहुँचने वाले। तो गाइज, जल्दी से चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर चढ़ना है। मैंने तो इसे टच भी नहीं किया था गाइज, और ऐसे ही गिर गई ये। गाइज, बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई आ जा रही है, गाड़ी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है चढ़ने में। और काफ़ी, एक तो सिंगचैन का काफ़ी ज़्यादा सामान भर रखा है सिंगचैन ने गाड़ी में, बिना फालतू का सामान लेके आया है सिंगचैन गाइज।
इससे कुछ बोल भी नहीं सकते। और चढ़ाई देख लो आप कितनी ज़्यादा खड़ी है चढ़ाई, बच गए गाइस, नहीं तो अभी मैं और सिंचैन तो माउंट जिलियड पे पहुंच ही जाते। इसके जो मामा मेरे को लग रहे हैं हैवी ड्राइवर हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा सही चला रहे हैं वो गाड़ी। तो हम पहुंचने ही वाले हैं 2 या 4 मिनट में। मैं पिछली बार अपनी गाड़ी लेके आया था तो इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब नहीं था, पिछली बार सही था और इतनी घास वगैरह भी नहीं थी। ये सबसे ज़्यादा टफ ट्रैक है यहाँ का माउंट चिलियाड का जो है, क्योंकि गाइज इसके ना साइड में कोई, देख सकते हो आपकी साइड में कोई सेफ्टी ही नहीं है गाइज, और यहाँ से कोई नीचे गिरता है तो मुझे नहीं लगता बचेगा वो। और ये बीच में चल रहे हैं गाइज, सबसे ज़्यादा लेट करने वाले ये होते हैं। मैंने गाड़ी पीछे ही रोक ली फिर भी ये गिर गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गाइज, और हट भी नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। ये सबसे ज़्यादा टफ ट्रैक है यहाँ का जो माउंट चिलियाड का जो है, काफ़ी देख सकते हैं आप नीचे की हाइट कितनी ज़्यादा है। और ये इसके एक तो सिंचैन के मामा बहुत लेट कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गए हैं, मेरे को रुकना पड़ रहा है इनके चक्कर से बार बार। गाइज मुझे लग रहा है 2 या 3 मिनट का रास्ता हो रहा है और हम पहुंचने वाले हैं माउंट चिलियाड पे। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पहाड़ है ये गाइज, माउंट चिलियाड का सबसे ज़्यादा ऊंचा और सबसे ज़्यादा खतरनाक पहाड़ है। सबसे ज़्यादा खतरनाक रास्ते इसी पहाड़ पे हैं गाइज, इसे मैंने 2 बार क्रॉस किया है। एक बार मैंने अपनी थार से, ये क्या कर रहे हैं सिंचैन के मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा गाइज कैसे कैसे लोग हैं। मैंने 2 बार इसे गाइज क्रॉस किया है, मैंने एक बार पिछली बार मैं अकेला आया था, इस बार सिंचैन को लेके आया हूँ। पिछली बार मैं अकेला आया था और थार ही लेके आया था गाइज, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस बार कौन सी गाड़ी लेके आऊँ। मैं सोच रहा हूँ इस बार अपना ट्रैक्टर लेके आता हूँ, HM 211। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि लेके आना चाहिए कि नहीं। और देख सकते हैं गाइज, हम मैं और सिंचैन पहुँच गए हैं ऊपर माउंट चिलियाड के ऊपर।